वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दिन फ्राइडे को सुबह के 9 बज रहे हैं और आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि रात को मैं एक मूवी देखने लगी थी, तो फिर सोते सोते थोड़ी देर हो गई। तो बस अभी मेहंदी लगा ली है, मैं चाय बना रही हूँ। उठी मैं अपने टाइम से थी, लेकिन मैंने मेहंदी लगाई, कपड़े वॉश करने के थे क्योंकि कल कपड़े वॉश नहीं हुए थे, मशीन चल नहीं रही थी। तो अभी देखा उसको कि क्यों नहीं चल रही, वो तो कपड़े लगाए हैं, कपड़े धुल गए हैं, बाकी सारा काम हो गया है। तो बस अब चाय बनाना है, तो वो चाय भी मैंने बनाने के लिए रख दी है। तो चलिए फिर आज का दिन हम अपना शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जिनके यहाँ लड्डू गोपाल होंगे उनके यहाँ तो सुबह सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, मतलब सुबह से ही लोग पूजा करना, फिर सुबह का भोग लगाना, है ना। तो मेरे पास नहीं है लड्डू गोपाल, इसलिए सुबह से मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं है एक्स्ट्रा जो जन्माष्टमी पे होता है। प्रसाद मैंने पहले ही बना लिया था, तो बस शाम में और दोपहर में मैं जाऊँगी अपने फ्रेंड के यहाँ, तो उनके यहाँ मैं भोग लगा दूँगी। और फिर नीचे भी मंदिर में है तो फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो चलिए फिर आज का दिन शुरू करते हैं। चाय पीने का काम खत्म और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ चीज़ के पराठे। तो चीज़ मैं सुबह फ्रिज में से निकालना भूल गई थी, इसीलिए ये एक टिप आप यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप चीज़ को निकालें, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आपसे ग्रेट करते नहीं आता, इसलिए 10 सेकंड के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया था। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, तो आप 10-10 सेकंड करके उसे दो बार माइक्रोवेव कर सकते हैं, तो वो अच्छे से ग्रेट करने लायक हो जाता है, वो बिल्कुल पिघलता नहीं है। तो बस यहाँ पर पहले मैं चीज़ के पराठे में नॉर्मल दो परत का पराठा बना रही हूँ। तो एक रोटी मैंने बेल ली है और बस दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है। तो इसके ऊपर आपको चीज़ अच्छे से ग्रेट करना है और उसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑल पर्पज़ सीजनिंग, चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं। सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि आटे में थोड़ा सा सॉल्ट था और चीज़ में भी अपना सॉल्ट रहता है। तो बस अच्छे से ग्रेट करने के बाद ना, आप इसके ऊपर दूसरी परत को लगा दीजिए, थोड़ा सा आप सूखा आटा डस्ट लीजिए और उसके जो किनारे हैं वो अच्छे से सील कर दीजिए। तो एक पराठा मैंने ऐसे बनाया था और दूसरा पराठा ना, ये वाला पराठा मेरा उतना अच्छा नहीं बना था क्योंकि मुझे दो परत के पराठे बनाने की आदत नहीं, मैं कभी नहीं बनाती, बट मुझे लगा चलिए इस बार ये ट्राई करते हैं। तो ये बना था और फूला भी था, बट मुझे सिकने में ये पराठा उतना अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा पराठा जब मैंने बनाया था, तो मैंने वो स्टफ़ करके बनाया था, जैसे हम आलू के और दूसरे पराठे बनाते हैं ना, वैसे मैंने छोटी सी एक लोई लेके उसमें मैंने बीच में चीज़ जो है वो स्टफ कर दिया था और फिर उसका एक उसकी लोई बना के फिर मैंने बनाया था। तो ये वाला पराठा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। बस आपको इसको ना अच्छे से बेलना है क्योंकि अगर एक भी छेद होता है या एक भी थोड़ा सा भी फट जाता है ना पराठा, तो चीज़ वहाँ से मेल्ट होके आपका बाहर बहने लगेगा। तो बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये पराठे। अगर आपके पास कुछ भी स्टफिंग नहीं है, तो आप चीज़ का पराठा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आटा वैसे ही लगाते हैं जैसे नॉर्मल हम आलू के पराठे का दूसरा आटा लगाते हैं ना, तो आपको वैसे ही लगाना है। तो देखिए पहला वाला पराठा भी मेरा फूला था, अच्छा बना था, चीज़ अच्छे से स्प्रेड था, अंदर सब कुछ था, बट मुझे ये पराठा उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसके किनारे ना थोड़े मोटे मोटे से रहते हैं और किनारे तक वो चीज़ नहीं फैल पाता क्योंकि हम उसको चिपकाते हैं। तो ये दूसरा वाला जो पराठा मैंने बेला था, ये काफ़ी अच्छा बेला भी था मेरा और काफ़ी अच्छे से ये इससे भी ज़्यादा ये डबल ये जो है ना फूला हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से पराठे, और मुझे दो ही पराठे बनाने थे क्योंकि मैंने अपने लिए नॉर्मल फिर एक जो मतलब नॉर्मल गेहूं का पराठा होता है ना, फिर मैंने अगर हाँ देखिए छोटा सा एक छेद बन गया था, तो मैंने छोटा सा मैंने आटे का टुकड़ा लिया था और उसमें मैंने लगा दिया, तो नहीं तो वहाँ से पूरा चीज़ ना बह जाता। तो बस अपने पराठे जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं। दोपहर के 2:15 और लेट हो गया, लेट क्या हो गया, चीज का पराठा बहुत लेट से खाया था ना, तो भूख नहीं थी, दाल
चावल और रोटी मैंने बना दी, तो बस मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आज मैं हलवाई स्टाइल जो ये ढाबा स्टाइल जो फूलगोभी और आलू की सब्जी होती है ना, मैं वो बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए ये जो गोभी है इसको मैंने गर्म पानी और नमक में लगभग 1-1.5 घंटे पहले डाल के रख दिया था। बस अभी मैं इसको स्ट्रेन कर दूंगी और जब तक मैं करूंगी अपनी बाकी की तैयारी। देखिए यहाँ सारी तैयारी हो गई है। सबसे पहले गोभी के फ्लोरेट्स काट लिए हैं, साथ में है ये आलू, ये आपको बड़े बड़े टुकड़ों में आलू काटना है। यहाँ पर है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, इन सब की आपको एक प्योरी बना लेना है। और प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है, तो इसको हमको नहीं पीसना है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है और सबसे पहले मैं इसमें आलू को फ्राई करना है आपको। तो आपको आलू को फ्राई करना है, 85% तक आलू कुक हो जाएंगे तब तक आलू में अच्छे से स्पॉट आपको दिखने लगते हैं। तो देखिए 85% से ज़्यादा आलू कुक हो गए, 85-90%, इनको निकाल लेते हैं। आलू में मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। तो गोभी को भी आपको ना लगभग 85-90% कुक करना है, लेकिन आपको सॉल्ट यहाँ पर गोभी में ऐड करना है। तो मैंने सिर्फ गोभी के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड किया। जब तक गोभी हमारी फ्राई हो रही है, हम एक मसाला इसका रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए एक बाउल में थोड़ा सा आपको पानी लेना है, 1-2 चम्मच। उसमें मैंने ऐड की है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करना है उसमें, और भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और इसके बाद बस कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने इसमें ऐड किया। तो मिर्ची आपको थोड़ी थोड़ी डालना है, क्योंकि हम यहाँ लाल मिर्च, हरी मिर्च और जो खड़ी मिर्च है, हम तीनों का यूज़ करने वाले हैं। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका एक पतला सा पेस्ट आपको बनाना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे ना, तो ये जलने के इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तब तक गोभी भी फ्राई हो गई है, तो गोभी को निकाल लेते हैं और मैं सेम ऑयल का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो ऑयल को आप छान भी सकते हैं। तो फिर इसी ऑयल में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अब जीरा। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एक तेजपान, उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च आपको ऐड करना है, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग आपको ऐड करना है, थोड़ी सी हींग ऐड करना है। मसालों को अच्छे से स्प्लटर होने देना है 30 सेकंड तक, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखे थे ना। यहाँ पर प्याज को आपको पीसना नहीं है, आपको चॉप प्याज ही ऐड करना है, और या कोशिश कीजिएगा ये बारीक अच्छे से चॉप्ड हो। तो बस प्याज को अब आपको अच्छे से भूनना है, लगभग 4-5 मिनट आप प्याज को भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो मसाला बना के रखा था ना, वो आपको ऐड करना है। मसाले और प्याज को अच्छे से कर दीजिए मिक्स, और इसके बाद आपको इसको ढक्कन लगा के अच्छे से तेल रिलीज होने तक आपको मसालों को भून लेना है। तो इसमें प्याज पहले से भुनी हुई रहती है ना, तो 3 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट, और आपकी जो मसाले हैं वो भी अच्छे से हो जाते हैं रेडी। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और ये सूख भी गया है। तो अब हम इस स्टेज पे यहाँ पर ऐड करेंगे हमने जो प्योरी बना के रखी थी ना, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की, वो हमने इसमें ऐड किए। तो मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बार बार इसमें ऐड की है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब्जी जो है वो तीखी हो जाएगी। बस अच्छे से मिक्स कर दिया प्योरी डालने के बाद। नमक अब मैं यहाँ पर पूरी सब्जी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोभी में हमने पहले ऐड कर दिया था, तो बाकी जो आलू है और प्योरी के हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढकने के बाद अब आपको इसको ना 8-9 मिनट पका लेना है, जब तक तेल अच्छे से सेपरेट नहीं होता है। देखिए 8-9 मिनट के बाद तेल जो है अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें आपको ऐड करना है जो आलू और गोभी हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो तो ये लगभग 90% तक कुक रहते हैं, इसलिए अब बहुत टाइम नहीं लगता है। बहुत हल्के हाथों से आप इसको मिला दीजिए और 2-3 मिनट के लिए आपको ढक्कन लगा के ढक देना है, ताकि आलू और गोभी जो होती है ना, वो अच्छे से प्योरी को एब्जॉर्ब कर ले और उसका टेस्ट इन सब्जियों के साथ आ जाए। बस बाद में ऐड करना है गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और खूब सारा हरा धनिया, और हमारी ये जो हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सब्जी है ना, ये बन के हो जाएगी रेडी। तो कसूरी मेथी, गरम मसाला और ये डालने के बाद बस आप 1 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दीजिए बस, और हमारी सब्जी जो है वो हो गई है रेडी। सब्जियों को चॉप करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब्जी तो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो देखिए सब्जी बनके हो गई है रेडी। तो बस यहाँ पर अब लंच से कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया था, तो मैं अब जल्दी से ना लंच सर्व कर देती हूँ। तो आज खाने में है दाल, चावल, सब्जी और रोटी। चावल सुबह ही मैंने बना के रख दिए थे, तो बस एक बार मैं उनको माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ।
बजे 7:10, तो उसे मैंने जो बनाया था ना, तो जल्दी से मैं उसको कर लेती हूँ और मैं मंदिर में और अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो दो जगह मुझे लेके जाना है, तो मैं देख के आती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा रात को, है ना। अपनी फ्रेंड के यहाँ से अभी मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही सुंदर झांकी, तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज झूले में लड्डू गोपाल शायद किसी मंदिर से या मुझे नहीं पता कहाँ से आए थे, पर काफ़ी बड़े से लड्डू गोपाल आए थे, तो रात को यहाँ पर भी उनका जो जन्म है ना रात में 12 बजे वो हुआ होगा, पर हम लोग रात को आ नहीं पाए थे यहाँ। अभी बस मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर का प्रसाद बचा था और मुझे ये नहीं पता था कि शॉपर्स प्लाजा में भी है भगवान, नहीं तो मैं वहाँ पे भी लेके चली जाती, लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर, क्योंकि यहाँ के लिए भी प्रसाद मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ था। गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी थी और उसके बाद अभी हम पैदल आए हैं यहाँ मंदिर। मंदिर से भी आ गए, अब ऊपर जाके थोड़ा सा काम है, रात को ना नीचे मंदिर में तैयारी हो रही है, कुछ प्रोग्राम शेयर करवा है 9 बजे से, तो देखते हैं आना होगा तो फिर मैं आप लोग को भी लेकर आऊँगी, तो अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर। तो बस ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैंने मशीन लगाई क्योंकि कपड़े नहीं धुले थे, और अभी बारिश के समय रात में ही हम ज़्यादातर कपड़े धो रहे हैं ताकि वो अंदर फैन में सूख जाते हैं। तो अपना ब्लॉग शुरू किया था मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगाने से, और ख़त्म भी मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग यहीं पर। खाने में बस रोटी सेकनी थी, आटा लगा के मैं गई थी, तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए बरखा के फंडे।